स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है कि हम नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट के जो दो लेक्चर थे उसमें मैं अप टू हाइड्रोकार्बन तक के प्रीवियस ईयर के 2013 टू 2019 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हेलोजन डेरिवेटिव और एल्कोल फिनोल ईथर से कौन से क्वेश्चन 2013 से लेकर 2019 तक आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेलोजन डेरिवेटिव एल्कोल फिनोल ईथर। ये दोनों ही टॉपिक 12th क्लास की ऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CHCH3 विथ HBr प्रोड्यूस, कि जब आप इस कंपाउंड की रिएक्शन HBr से करवाओगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो आप इसको थोड़ा सा देखें कि HBr के साथ, और यहां आपको दिया हुआ है एल्कीन, एल्कीन के साथ HBr की जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन कैसे ऑपरेट होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन कैसे होगा कि सबसे पहले आपको जो कंपाउंड दिया है वो दिया है C6H5CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 और आपको दिया है HBr। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो HBr में से सबसे पहले जो अटैक करेगा वो कौन करेगा? H+। और जब H+ अटैक करेगा तो H+ अटैक करेगा तो यहां पे आपको पाई बॉन्ड के डिस्प्लेसमेंट का दो वे हैं कि आप पाई बॉन्ड को इस वे में इधर रोटेट करें। तो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आया, H+ यहां अटैक कर जाएगा, इस जगह अटैक कर सकता है। जैसे ही H+ यहां अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज यहां आया, तो यहां दूसरा वे है कि आप इलेक्ट्रॉन को इस वे में रोटेट करें तो पॉजिटिव यहां आया। आपको पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस वे से करना है जिससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। तो इधर से इधर जाता हूं तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो रेजोनेंस वाला होगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो ये वे सही है। तो जैसे ही हम बात करेंगे हमारे पास पहला आएगा C6H5CH पॉजिटिव, ये CH2CH3। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का रोटेशन ऐसे ना करके ऐसे करता, इस वे से करता तो H+ यहां टेक करता और जैसे H+ वहां टेक करता तो मेरे पास बनता C6H5CH2CH पॉजिटिव और CH3। अब अगर मैं इन दोनों कार्बोकेटाइन की बात करूं तो यहां वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, ये वाला क्या है? मोर स्टेबल। और अगर ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है तो रिएक्शन इस वे से प्रोसीड होगी, उस वे से प्रोसीड नहीं होगी। तो ये वाला वे गलत है, मतलब इधर अटैक नहीं करेगा, ये वाला वे क्या है? सही है। अब इस पे कौन अटैक कर जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई है तो हम देखते हैं रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, बट इस कार्बोकेटाइन में कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो डायरेक्ट अब कौन अटैक करेगा? Br-। और जैसे ही Br- अटैक करेगा आपके पास बन जाएगा C6H5CH Br-CH2 और ये CH3, ये वाला आंसर आपका आएगा। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऐसा ऑप्शन हम देख पा रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन अपने पास ये वाला ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। दैट्स क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको कुछ रिएक्शंस दी हुई है, एक रिएक्शन दी हुई है, ए दी हुई है, बी दी हुई है और सी दी हुई है, और ये पूछा है कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन रिएक्शंस के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो आप देखें इन तीनों रिएक्शन में हुआ क्या है, तीनों रिएक्शन में हुआ क्या है। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो अपने पास थी वो ये वाली रिएक्शन है CH3CH2 और ये CH2 और ये Br, और आपको दिया KOH और यहां पे बनाया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप देखें
यहां से इस एच और इस बी आर का क्या हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है, एच बी आर बाहर हुआ है। इसका मतलब ये वाली जो रिएक्शन है वो एग्जाम्पल है किसका, एलिमिनेशन रिएक्शन का। जब किसी स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है ड्यूरिंग रिएक्शन, सिग्मा बोन टूटता है और एक पाई बोन का फॉर्मेशन होता है, तो हम उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और दिस रिएक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन का क्या होती है, जस्ट रिवर्स होती है। सेकेंड जो रिएक्शन हमें दी है वो हमें ये दी है कि सी एच थ्री और ये सी एच थ्री, ये बी आर, और यहाँ वापस के ओच के साथ रिएक्शन करवाई है, और यहाँ आपके पास बना है सी एच थ्री सी एच थ्री और ये ओ एच। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ से बी आर माइनस बार हुआ है और ओ एच माइनस क्या गया है, अटैक किया है। तो ओ एच माइनस ने बी आर माइनस को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। अब अगर मैं बात करूँ ओ एच माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और जो बाहर निकला है बी आर माइनस वो भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल का क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहां सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो ये एग्जांपल है किसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नेक्स्ट जो रिएक्शन दी है वो अपने पास ये दी हुई है कि ये डबल बॉन्ड और ये बी आर टू और यहां बनाया है बी आर बी आर। तो आप देख सकते हो इस डबल बॉन्ड पे दो बी आर का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। मतलब एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये एग्जाम्पल हो गया एडिशन रिएक्शन का। तो इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन है वो एलिमिनेशन है, सेकंड जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और थर्ड रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन है। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऐसा ऑप्शन अपने पास कहाँ पे है, तो देखो ए इज एलिमिनेशन, बेसिकली ए एलिमिनेशन है, बी इज सब्स्टिट्यूशन एंड सी इज एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना क्या आ जाएगा, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्लियर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बेसिकली ये बिलोंग करता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, जहां हम पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो वहां हम एक चीज पढ़ते हैं, आपको पता हो तो, कि वहां पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, वहां ये वाली बात हम पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कि मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन, कि मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए किससे, कार्बन से, और कार्बन जो है वो है मस्ट बी पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जो कार्बन है वो किसका पार्ट होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन का पार्ट होना चाहिए। एक इसमें एक्सेप्शन आता है जो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कि मेटल कार्बोनिल को भी हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं, जबकि वहां कार्बन हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं होता। केवल और केवल एक वो एक्सेप्शन है, बाकी हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड केवल उन्हीं कंपाउंड को कंसिडर करेंगे जिनमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो मेटल से या मेटेलॉइड से, बट कंडीशन ये है कि कार्बन मस्ट बी पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोकार्बन का पार्ट होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अगर ये समझ में आ गई तो उसके बाद देखें कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हम तीन तरह के पढ़ते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्डेड, एक होता है पाई बॉन्डेड, और एक होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। हम तीन तरह के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्डेड, एक होता है पाई बॉन्डेड, और एक होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। अब इनमें डिफरेंस क्या है, सिग्मा बॉन्डेड का मतलब है कि मेटल और कार्बन के बीच क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। पाई बॉन्डेड का मतलब है कि मेटल और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। और सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड का मतलब है कि मेटल कार्बन के बीच सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड होंगे। तो इस कंडीशन में, इस कैटेगरी में तो हम रखते हैं किसको, मेटल कार्बोनिल को।
इस कंडीशन में हम किन कंपाउंड को रखते हैं, मेटल कार्बोनिल को हम सिग्मा इन पाई बॉन्डेड बोलते हैं। पाई बॉन्डेड की बात करें तो फेरोसिन, कोबाल्टोसिन और रूथनोसिन, ये तीनों ही है तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, बट ये दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये तीनों ही पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के क्या है, एग्जाम्पल है। जबकि ग्रिगनार रिएजेंट की अगर बात करें तो R जो एल्काइल ग्रुप है और मैग्नीशियम और ये हैलाइड, आप देख सकते हो इस एल्काइल के कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है, हमें पूछा है एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो आंसर जाने वाला है वो जाएगा ग्रिगनार रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और वो भी कैसा, सिग्मा बॉन्डेड। तो आंसर इसका जाएगा फर्स्ट। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंपाउंड कैसे हैं, इनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब थोड़ी सी अदर इन्फॉर्मेशन इनके बारे में भी दे देता हूं कि यहां जो फेरोसिन है, फेरोसिन का जो फॉर्मूला है वो फेरोसिन ये वाली होती है, साइक्लोपेंटाडाइन और ये वाला। तो आप देख सकते हैं यहां मेटल इस रिंग के पाई बॉन्डेड से बॉन्डेड है, ये एग्जाम्पल है किसका, फेरोसिन का एग्जाम्पल है। कोबाल्टोसिन की बात करें तो कोबाल्टोसिन में दो बेंजीन रिंग के बीच में कोबाल्ट होता है, इस बेंजीन रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोबाल्ट से बॉन्डेड होती है, दिस इज कोबाल्टोसिन। रूथेनोसिन की बात करें तो सेम ऐसे ही, यहां रूथोनियम रख दो, यहां रूथोनियम रख दो तो रूथेनोसिन बन जाएगा। ये तीनों ही एग्जाम्पल है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की, तो आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपने पास है आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखें, मैं इस रिएक्शन के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं और इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आपको एक रिएक्शन दी है और यहां बोला है कि ए एक कंपाउंड बनेगा और वो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या होगा और रिएक्शन किस टाइप की है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। ओके, तो देखें इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, समझे इस रिएक्शन को समझे। तो आपके पास बेसिकली जो प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है, समझिएगा, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सी एच थ्री और ये बी आर। ओके, अब मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाता हूं, जो रिएक्टेंट दिया हुआ है, हमें रिएजेंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एन ए एन एच टू। ओके, जो एन ए एन एच टू है, NH2- जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। NaNH2 जो है वो है स्ट्रॉन्ग बेस, और इस Br के रेस्पेक्ट में ये वाली जो ऑर्थो हाइड्रोजन है और ये वाली ऑर्थो हाइड्रोजन है, इनको ये रिमूव करता है और बेंजाइन का फॉर्मेशन करता है। अब किस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगी, मतलब ये NaNH2 करता क्या है, जब हेलोजन लगा हुआ है तो मैं ये बोल रहा हूं कि मोर एसिडिक ऑर्थो हाइड्रोजन रिमूव विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन, कि हेलोजन के रेस्पेक्ट में मोर एसिडिक हाइड्रोजन को ये रिमूव करेगा एंड फॉर्म इंटरमीडिएट बेंजाइन, और क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा जिसको हम बोल रहे हैं कि उस इंटरमीडिएट का नाम है बेंजाइन बनाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि ज्यादा एसिडिक कौन सी हाइड्रोजन है, ये वाली है या ये वाली है, क्योंकि बीआर ये तो पैरा वाली हो गई और इस बीआर के रेस्पेक्ट में ये वाली, इस बीआर के रेस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो है और ये भी और तो है, तो ये तो पेरा हो गई, तो इस हाइड्रोजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपके पास दो हाइड्रोजन है, ये वाली और ये वाली, और दोनों ही हाइड्रोजन कैसी है, ऑर्थो हाइड्रोजन है। अब इनमें से एसिडिक देखें तो आप देखें इस OCH3 का इस H पे लग रहा है माइनस आई, इस पे भी माइनस आई लग रहा है, बट यहां डिस्टेंस बढ़ गई तो ज्यादा माइनस आई किस पे लग रहा है, इस वाली पे। तो ये वाली हाइड्रोजन, मतलब इसको ए बोलूं इसको बी बोलूं, तो मैं ये बोलूं कि एच ए की एसिडिक नेचर एच बी से क्या है, ज्यादा है, तो एच ए को रिमूव करेगा, और साथ में जैसे ही एच ए को रिमूव करेगा
यहां से पहला जो कंपाउंड बनेगा आपके पास वो बनेगा ये वाला ओ सी एच थ्री और ये नेगेटिव और ये बी आर। अब अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड को, अगर मैं दूसरे वे से अगर रिप्रेजेंट करूं तो आप ये देख सकते हो कि दूसरा वे ऐसे में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और वो ऐसे कैसे दिखाऊं, देखो आप इधर कि ये पाई बॉन्ड है और यहां नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां ओ सी एच थ्री और यहां पे कौन है बी आर। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां जाएगा और इस बी आर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा और यहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा ये वाला, दिस इज बेंजाइन। अब बेंजाइन पे NH3 जो आपके पास बना है, इस H को रिमूव करने का काम कौन किया था, NH2 ने, और यहां से क्या बन गया आपके पास NH3 बन गया था। अब NH3 इस पे अटैक करेगा दो वे से, NH3 और NH3। तो मैं NH3 को ऐसे भी दिखा सकता हूं, NH2 और ये H, NH2 और ये H, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये जो आपके पास बेंजाइन का जो पाई बॉन्ड बना है इसका हम डिस्प्लेस्ड दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस वे से किया, ओके, जैसे आप इस वे से करोगे तो यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज, और डेफिनेटली ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मेजर होगा, क्योंकि इसका क्या लग रहा है माइनस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां गए इस पे आ गया एच नेगेटिव वाले पे और यहां आ जाएगा एनएच टू, तो पहला प्रोडक्ट बना आपके पास ये वाला ओ सी एच थ्री और ये एनएच टू। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाए तो फिर जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा ओ सी एच थ्री और ये एनएच टू। अब दो प्रोडक्ट हमारे पास है तो इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बनने वाला है, ये वाला क्या बनने वाला है, मेजर बनने वाला है, क्योंकि इसका माइनस आई लगेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होंगे। यदि जहां से लिविंग ग्रुप निकला है, लिविंग ग्रुप कौन था, बी आर, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेगा, यदि जहां से लिविंग ग्रुप निकला है, ये बी आर क्या है आपका लिविंग ग्रुप है, उसी कार्बन पे नया न्यूक्लियोफाइल आया है, तब तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यदि न्यूक्लियोफाइल जस्ट लिविंग ग्रुप के पास वाले कार्बन पे आया है, टू एडजस्टेंट कार्बन एटम टू लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के पास वाले एटम पे आया है, जैसे बी आर निकला और इसके पास वाले पे NH2 आया है, इसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन, इस रिएक्शन का नाम है साइन सब्स्टिट्यूशन। साइन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, साइन सब्स्टिट्यूशन, साइन का मतलब है एडजस्टेंट एटम पे गया है विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। अब अपने पास मेजर प्रोडक्ट ये है और ये प्रोडक्ट इसका बना है। अब हम इसके ऑप्शन चेक करते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो यहां NH2 दिया है, मतलब बी आर के जस्ट पास वाले कार्बन पे, तो ये बोला है एंड एलिमिनेशन एडिशन, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। फिर बोला है एंड साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां तो रिएक्शन ही नहीं करवाई क्योंकि सेम वही बी आर ही डाल दिया, बी आर को वहां दी थी, रिएक्शन नहीं हुई। प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है ये वाला, देखो फोर्थ ऑप्शन को चेक करो, और ये फोर्थ ऑप्शन जो मेजर प्रोडक्ट बना था वो यही फोर्थ ही आया था अपने, इसको मैंने मेजर बोला है, ये मेजर प्रोडक्ट बना है, तो ये और एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। होपफुली समझ में आ गया होगा कि कब तो हमें साइन सब्स्टिट्यूशन बोलना है। साइन सब्स्टिट्यूशन तब बोलेंगे जब लिविंग ग्रुप के जस्ट पास वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आया है। सब्स्टिट्यूशन कब बोलेंगे, जब लिविंग ग्रुप वाले कार्बन पे ही नया न्यूक्लियोफाइल आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विथ ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड विच बाई हुर्ज रिएक्शन कन्वर्टेड टू गैसेस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन फोर कार्बन एटम। ये बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ ब्रोमीन बाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन है
और ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिएक्ट कर रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो पहले वाले कंपाउंड की अगर मैं करवाऊं तो CH3 और ये Br2 और ये HMu, तो क्या बनेगा? CH3CH2Br। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि लाइट प्रेजेंस मैंने कहां से ले ली, तो मैं बता दूं एल्केन हाइड्रोकार्बन की हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है। अब आपने सबने पढ़ा होगा कि अगर मैं इस कंपाउंड की हुर्ज रिएक्शन कराऊं Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बनने वाला है हुर्ज रिएक्शन से। बट हमें बोला है कि गैसेस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम, उसके पास 4 से कम एटम होने चाहिए, इसमें 4 आ गए तो पोस्ट फर्स्ट ऑप्शन की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई, ये तो नहीं आएगा। सेकंड की बात करें, CH4 है और ये Br2 और ये HMu, क्या आएगा? CH3Br। इसकी सोडियम ड्राई ईथर से अगर रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनने वाला है? CH3CH3 एथेन, ए गैसीय हाइड्रोकार्बन लेस देन 4 कार्बन, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। और थर्ड और फोर्थ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नहीं करेंगे हेलोजन के साथ, ये इनमें पाई बॉन्ड है हेलोजन के साथ, यहाँ जो रिएक्शन होने वाली है वो एडिशन रिएक्शन होने वाली है, तो ये पहली कंडीशन को भी फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट देखें। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे कि कई बार पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग ईथर्स विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट कंसंट्रेट HI। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ईथर के साथ HI, ईथर की रिएक्शन जब HI से करवाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं एक उसका सिंपल सा आपको कंसेप्ट बताता हूं, उस कंसेप्ट से आप क्वेश्चन सोल्व करें, आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सोल्व हो जाएगा। और वो क्या कंसेप्ट है उसको देखें और उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। पहले मैं इससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट बताता हूं। कंसेप्ट क्या है भाई? ईथर की रिएक्शन जब आप HI से करवाते हो तो डेफिनेटली एक एल्कोहल बनेगा और एक एल्किल हैलाइड बनेगा, ये वाला बनने वाला है, एल्कोहल बनेगा और एल्किल हैलाइड बनेगा। अब रिएक्शन होती कैसे उसको समझें कि सबसे पहले यहां से रिएक्शन कैसे होती है, ROR और HI में से अटैक करेगा कौन? H+। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, जैसे एसिड बेस रिएक्शन होगी ROR और ये H और ये पॉजिटिव। अब यहां से रिएक्शन के दो वे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल कौन बच गया बेटा? I-। तो एक बार तो पॉसिबिलिटी है SN2 रिएक्शन की, किसकी पॉसिबिलिटी है? SN2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। और जब SN2 रिएक्शन करवाओगे, ओके, SN2 रिएक्शन करवाओगे तो I- अटैक एट लेस हिंडर्ड साइड, तो I- अटैक करेगा, उधर अटैक करेगा जिधर लेस हिंडर्ड साइड है। तो इन दोनों में से आप देख सकते हो कि लेस हिंडर्ड साइड किधर होगी, जिधर भी होगी उधर I- अटैक कर जाएगा और इस ग्रुप को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो आपके पास आ जाएगा ROH और RI। अब SN2 करवानी कब है? SN2 कब करानी है? जब 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो तब आपको करवानी है SN2। और SN2 करवाओगे तो डेफिनेटली लेस हिंडर्ड साइड आपको करवानी है। एक और बता रहा हूं यहां, विथ एनहाइड्रस HI, अगर एनहाइड्रस HI दिया हो देन ऑलवेज SN2, तो हमेशा ही क्या करवानी है आपको? SN2 करवानी है। बट ऐसा केस तुम्हारे नहीं आता है, बहुत कम आता है, क्योंकि आपको यहां कंसंट्रेट दिया हुआ है तो हाइड्रस HI है।
अगर आई माइनस यहां पे एसन वन होती है तो आपको बनाना है फोम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो आपको क्या बनाना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। और ये कब होगा, जब 3 डिग्री हेलाइड आपके पास प्रेजेंट हो तब एसन टू रिएक्शन की पॉसिबिलिटी आएगी। जब 3 डिग्री हेलाइड आपके पास हो तब एसन टू रिएक्शन की पॉसिबिलिटी आएगी। तो पहले कार्बोकेटाइन बन जाएगा एक तरफ और एल्कोहल बन जाएगा, और इस पे कौन अटैक कर जाएगा, आई माइनस अटैक कर जाएगा और क्या बन जाएगा, आर आई बन जाएगा। ये तो है इस रिएक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। तो इस रिएक्शन से रिलेटेड मैंने कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप अगर उस क्वेश्चन को करोगे तो बड़ा ही सिंपल सा और इजी वे में वो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अमंग द फॉलोइंग इथर विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट कंसंट्रेट एच आई। ओके, तो मैं यही रिएक्शन को करवा रहा हूं, आप देखें एच आई, ठीक है, ये 3 डिग्री है क्या, तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 होगी, तो पहले H+ अटैक कर जाएगा, फिर स्टेबल कार्बोकेटाइन इधर बनेगा तो इधर I- क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, और सॉरी SN1 होगी यहां पे, देखें फर्स्ट जो है इसको हम सोलो करते हैं, फर्स्ट को सोलो करते हैं तो क्या बनता है, फर्स्ट को सोलो करते हैं, इधर देखें फर्स्ट को सोलो करते हैं तो क्या बनेगा, CH3 आपके पास ये वाला है, ओके, और HI दिया हुआ है, तो सबसे पहले H+ अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, अब स्टेबल कार्बोकेटाइन है इधर 3 डिग्री है तो इधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये ग्रुप यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और उधर क्या बनेगा, उधर बनेगा CC और ये पॉजिटिव, और इधर बन जाएगा CH3OH, और इस पे कौन अटैक कर जाएगा, आई माइनस क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, और यहां ये बन जाएगा। तो क्या मिथाइल एल्कोहल बना, हमें यही पूछा हुआ था, क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो देखें, अमंग द फॉलोइंग इथर विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल एल्कोहल, कि कौन सा मिथाइल एल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, तो पहला ही मिथाइल एल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, तो आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट आंसर जाएगा। अब मैं आगे वाले ऑप्शन को और चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है, आगे वाले ऑप्शन को और हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करना ही केवल कंसेप्ट नहीं है, उस जो क्वेश्चन आए हैं उसके रिगार्डिंग जितने कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट में टच कर रहा हूं, जिससे आप एग्जाम में जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो आप उस क्वेश्चन पे इजी वे में क्या कर सको, अप्रोच कर सको। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करता हूं, इसको समझ लिया होगा, सेकेंड एग्जाम्पल जो है इसको देखें, सेकेंड एग्जाम्पल में पहले H+ अटैक कर जाएगा, ये अटैक हो गया, तो इस पे अटैक करने के बाद क्या बना, कार्बन कार्बन और कार्बन OH, ये पॉजिटिव और ये कार्बन। अब आप देखो I-, तो देखो इधर 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 रिएक्शन में मैंने क्या बोला है, उस साइड अटैक करवाना है जिधर हिंड्रेंस मिनिमम हो, स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम हो, या सीधा बोले उधर अटैक करवा दो जिधर भीड़ कम हो, तो भीड़ इधर कम है तो इधर से I- क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, और इसको क्या कर देगा, बाहर। तो यहां जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो मिथाइल आयोडाइड और इसके बाद आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, तो इसमें मेथेनॉल नहीं बना है इसलिए सेकंड नहीं आएगा। अब इसकी बात करें तो आप डायरेक्ट करवा लें, अब 1 डिग्री 1 डिग्री कौन सी होने वाली है बेटा, SN2, तो इधर कौन अटैक करेगा, I- इधर अटैक कर जाएगा, और इधर कौन चला जाएगा, H+ इधर चला जाएगा, तो यहां भी मेथेनॉल नहीं बना है। इसमें बात करें तो यहां भी यहां से टूटेगा इधर I और इधर H, इसमें भी मेथेनॉल नहीं बनेगा, इसलिए इस रिएक्शन का जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन विच वन प्रोड्यूस एनी सोल, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो तभी अप्रोच कर पाओगे क्वेश्चन पे जब आपको यह पता हो कि एनी सोल किस कंपाउंड को बोलते हैं और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो पहले आप देखें यह जो कंपाउंड है
इस कंपाउंड का नाम है एनिसोल। और एक और बता देता हूं मैं, ये दोनों कंपाउंड आपको पता होना चाहिए, अगर यहां पे OC2H5 लगा हुआ है तो इस कंपाउंड का नाम है फेनिटोल। ये वो एनिसोल है और ये फेनिटोल है। हमें ये बोला है अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन विच वन प्रोड्यूस एनिसोल। तो पहला देखें, पहला रिएक्शन क्वेश्चन क्या है, पहला रिएक्शन है कि CH3COH एल्डिहाइड और ये RMG अक्ष ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, R माइनस जो है वो अटैक करेगा और ये यहां से यहां, तो यहां जो बनेगा वो बनेगा CH3CO-MgAcCH और ये R। एनिसोल में रिंग होनी चाहिए तो यहां रिंग है ही नहीं, तो फर्स्ट से एनिसोल नहीं बनेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है, पहले आपको फिनोल दिया हुआ है, फिनोल की रिएक्शन करवाइए किससे, NaOH से, तो यहां कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन होगी ये H को हटा लेगा और जो बनेगा वो बनेगा सोडियम फिनोक्साइड आयन। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाइए किससे, CH3I से, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी और ये अटैक करेगा और इस आई को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा O और ये CH3। मैं बता देता हूं कि यहां जो मैंने रिएक्शन करवाई है वो कौन सी है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इसमें हमारे पास एनिसोल की बात हो रही थी, तो एनिसोल हमने ऑलरेडी बता दिया है कि सेकेंड रिएक्शन में एनिसोल बन रहा है, बट हम अदर ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो आंसर तो सेकंड आ गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि थर्ड रिएक्शन में क्या होगा। जब फिनोल की न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो वोयलेट कलर का होता है। और मैं एक चीज और बता दूं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ फिनोलिक एंड इनोलिक ग्रुप। इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं फिनोलिक और इनोलिक ग्रुप का टेस्ट करने के लिए। अगर आपसे ये बोलता है कि ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ न्यूट्रल FeCl3 की वोलेट कलर कॉम्प्लेक्स या वोलेट कलर देता है, तो ये इस बात का इंडिकेशन वो आपको दे रहा है कि कंपाउंड में फिनोलिक या इनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, यहां पे फोर्थ रिएक्शन में क्या होगा वो भी आप देख लें। मेरा एम केवल क्वेश्चन को सोल्व करवाना नहीं है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी बताना है। तो फोर्थ जो है वो आपको पहले टोलुइन दिया हुआ है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं टोलुइन, और इसकी रिएक्शन करवाई है CH3COCl AlCl3 से। इस कंपाउंड की जो रिएक्शन करवाई है वो करवाई है CH3COCl और AlCl3 से। इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये AlCl3Cl को हटा लेगा, यहां से एसाइलियम आयन बनेगा और ये एसाइलियम आयन ऑर्थो और पेरा पे अटैक करेगा, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव। तो यहां दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी आएगी, एक ये बनेगा CH3CO CH3 पॉजिटिव, दूसरा जो बनने वाला है वो ये वाला बनेगा। तो यहां भी एनिसोल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो एनिसोल का फॉर्मेशन कहां होगा,
वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सेकंड आंसर इसका आएगा, बाकी मैं अदर रिएक्शन के प्रोडक्ट भी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस रिएक्शन का कंसेप्ट क्या है पहले तो उस चीज को समझे आप, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है कि आपको बात कर रहा है इस कंपाउंड की NaHCO3 के साथ। NaHCO3 के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए सीधा सा कंसेप्ट यह है कि अगर मैं किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन करवाऊं तो एसिड और जब बेस रिएक्शन करेगा तो वापस से एसिड और बेस ही बनने वाला है, और रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होगी, रिएक्शन वीक एसिड और वीक बेस बना है तभी रिएक्शन होगी। मतलब रिएक्शन ऑलवेज किस डायरेक्शन में जाएगी, वीक एसिड और वीक बेस की डायरेक्शन में जाएगी। तो वीक एसिड और वीक बेस अगर बना है तो रिएक्शन हो जाएगी, यदि वीक एसिड और वीक बेस नहीं बना है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो मैं यहां यह बोल दूं कि इफ गिवन बेस ओके, यदि गिवन बेस आर स्ट्रॉन्ग बेस देन रिएक्शन प्रोसीड, तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रोसीड हो जाएगी। अब देखें इधर, सबसे पहला दिया है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल OH NO2 NO2 और ये NO2, पिक्रिक एसिड इस कंपाउंड का नाम है और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा है, NaHCO3 से। तो NaHCO3 का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है, H2CO3। तो अगर मैं इस एसिड और इस एसिड में कंपेरिजन करूं तो ये कैसा एसिड हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और ये हुआ वीक एसिड। बट इस वीक एसिड का हमें पता है कि वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये बेस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां रिएक्शन हो जाएगी, CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी, फर्स्ट करेगा। या फिर सीधा सा कंसेप्ट बोलूं, जो बेस दिया है उसका एसिड बनाओ, जो बेस दिया है और उसका एसिड बनाओ। जो ये बेस दिया हुआ था, इस बेस का मैंने क्या बना दिया, तो जो बेस दिया है उसका एसिड बनाया। अगर वो एसिड गिवन एसिड से वीक है, अगर वो एसिड गिवन एसिड से वीक है तो रिएक्शन हो जाएगी, और यदि वीक नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो सीधा सा कंसेप्ट यही है कि जो बेस आपको दिया हुआ है उस बेस का आप क्या बनाओगे, उस बेस का आप बनाओगे कॉन्जुकेटेड एसिड, और वो कॉन्जुकेटेड एसिड गिवन एसिड से यदि वीक है तो रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मैंने एसिड बनाया H2CO3 कॉन्जुकेटेड एसिड, और ये वीक एसिड है, और वीक एसिड है तो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि वीक एसिड का बेस क्या होता है, कॉन्जुकेटेड बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड से भी रिएक्शन होगी, क्योंकि बेंजोइक एसिड से भी बात करें तो बेंजोइक एसिड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेरेटिव टू कार्बोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हो जाएगी, क्योंकि बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है किससे, कार्बोनिक एसिड से, H2CO3 से कार्बोनिक एसिड से। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कार्बोनिक एसिड से क्या है, वीक है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां बेटर ऑप्शन हमें चूज करना है। वैसे जनरली अगर हम बात करें तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भी रिएक्ट करता है, बट इन चारों में से अगर बेटर ऑप्शन चूज करें तो यहां बेटर ऑप्शन जाएगा वो जाएगा थर्ड, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल डू नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बेटर ऑप्शन मैंने चूज किया है, अदरवाइज आप देखोगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ भी कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होती है, बट यहां से हमें बेटर ऑप्शन चूज करना है, और AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, इसलिए आंसर मैंने दिया इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो आपको क्या दिया हुआ है,
सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच डबल बोंड सी एच टू। इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई एच बी आर से, वो भी किसकी प्रेजेंस में, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। और प्रोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, एंटी मार्कोनिकोप रूल से प्रोडक्ट बनेगा, एंटी मार्कोनिकोप रूल से। तो बी आर माइनस उस डबल बोंडेड कार्बन पे जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का। तो बी आर इधर जाएगा, तो पहला कंपाउंड जो बनेगा वो कार्बन 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 और ये बी आर। फिर उसके बाद अगला जो ये तो बना आपके पास वाई, उसके बाद यहां दिया हुआ है सी टू एच फाइव ओ माइनस एन ए, और सी टू एच फाइव ओ माइनस न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, बी आर को क्या कर देगा, कौन सी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, एस एन टू, और क्या बन जाएगा, ईथर। और ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास है फर्स्ट ऑप्शन में, तो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। पीछे के लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सम रिएक्शन ऑफ ईथर आर गिवन विच वन इज नॉट ट्रू, कि कुछ रिएक्शन आपको दी हुई है उनमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है, ये आपको दिया हुआ है। तो देखें यहां पे आप ये देखें कि जो पहला जो है उसमें जो प्रोडक्ट बनाया वो रिएक्शन सही है या नहीं है। तो पहले में आपके पास इधर दिया हुआ है सी सिक्स एच फाइव, सी सिक्स एच फाइव सी एच टू, और ये ओ और ये रिंग है। तो रेजोनेंस के कारण इस बॉन्ड का ब्रेक नहीं होगा, ये तो टूट ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर इस रिंग के साथ क्या दिखा रहे हैं, रेजोनेंस दिखा रहे हैं, जिसके कारण पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। तो ये वाला बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, तो इसका मतलब टूटेगा यहां से, ये क्लीवेज होगा, ये क्लीवेज होगा, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, डेफिनेटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आएगा। एच आई से रिएक्शन करवाई है तो इधर कौन जुड़ेगा, एच, और इधर कौन जुड़ेगा, आई। क्या यही प्रोडक्ट बना के दिया हुआ है, क्या डेफिनेटली यही प्रोडक्ट बना के दिया हुआ है, तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो एकदम सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड में एच आई के साथ रिएक्शन मैंने अभी पीछे कंसेप्ट बताया है, कौन सी रिएक्शन कराओगे, एस एन टू रिएक्शन करवाओगे, एस एन टू रिएक्शन कराओगे तो आई माइनस अटैक करेगा किधर, लेस इन रेड साइड, और ये क्या हो जाएगा, बाहर, तो क्या बनेगा, सी एच थ्री आई और सी टू एच फाइव ओ एच। ये रिएक्शन भी क्या है, एकदम सही है। अब इस रिएक्शन की बात करते हैं, एच आई वापस से 2 डिग्री और ये क्या है 1 डिग्री, कौन सी रिएक्शन करवाने वाले हो आप, एस एन टू, आई माइनस का अटैक किधर कराओगे, लेस इन रेड साइड, तो इधर आई माइनस अटैक किया तो ये ग्रुप बाहर हो गया, तो उधर बनेगा, एक तरफ बनेगा एल्कोल और इधर बनेगा इथाइल आयोडाइड, तो ये रिएक्शन भी सही है। अब इसकी बात करते हैं, तो यहां कौन सा आया 3 डिग्री और इधर कौन सा आया 1 डिग्री, कौन सी रिएक्शन करवानी होती है इसमें, एस एन टू, और एस एन टू में यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इस पे एच गया और इस पे कौन गया, आई, जबकि यहां प्रोडक्ट ये नहीं दे रखा, तो अब से यही पूछा था कि विच वन इज नॉट ट्रू, तो 4 रिएक्शन ट्रू नहीं है। रिएक्शन का कंसेप्ट अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में एक में बताया है, पूरी रिएक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया है, उसी कंसेप्ट पे ये रिएक्शन होनी है, समझ में आ गई होगी, आंसर जाएगा वो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, वेल नोन रिएक्शन है, ये बोल रहा है कि फिनोल की रिएक्शन, ये फिनोल, और फिनोल की रिएक्शन किससे करवा रहा है, क्लोरोफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं सी एच सी एल थ्री, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट एन ए ओ एच की प्रेजेंस में। आपको पता होगा, याद आ गया होगा, या फिर मैं बता देता हूं कि ये जो रिएक्शन है वेल नोन है, सभी को आती है, ये है राइमर टीमान रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है, वो है राइमर टीमान रिएक्शन। और इस रिएक्शन का जो मेन मेन जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट तो ये बनने वाला है, इसके ऑर्थो पोर्शन पे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, फॉर्मिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, एल्डिहाइड बनता है, जिसको हम बोलते हैं सेलिसेल्डिहाइड, ये वाला प्रोडक्ट आता है, इसके
ऑर्थो पोर्शन पे फॉर्मिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, तो आपसे यही पूछा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा, और बोला है कि इंट्रोड्यूस विद वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, तो वो आएगा एल्डिहाइड। अब मैं कुछ चीजें इसके बारे में बता देता हूं कि राइमर टीमान रिएक्शन का जो है ये, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता देता हूं। इट इज एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये किसका एग्जाम्पल है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। दूसरा, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन इज CCl2, जिसको हम बोलते हैं कार्बिन। इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है? कार्बिन इसका इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर एक और बात करूं कि इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट इसका है ये वाला सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। ये इसका इंटरमीडिएट है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। तो मैंने राइमर टीमान के रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जो जहां जहां से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ये राइमर टीमान। तो आंसर जो इसका जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ, इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन करवाया है और यू नो कि मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, H2O आपको क्या करना है, बाहर करना है। तो आप देखें इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे इसमें से H2O बाहर करना है, तो आपको दिया हुआ है ये वाला, ओके, और यहां पे दिया हुआ है ये CH3, CH2H, ये OH, और ये H, और ये H, ये वाला दिया हुआ है। तो जब डिहाइड्रेशन होगा तो ये अल्फा, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को क्या बोलेंगे हम? अल्फा बोलेंगे। उसके जस्ट वाले पास वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। तो यहां होता कैसे है, ये कार्बन, ये OH और ये H, ये अल्फा और ये बीटा, ये H2 क्या होता है? बाहर होता है। अब अगर मैं बात करूं कि अल्फा के रेस्पेक्ट में ये बीटा हो गई, ये वाली बीटा हो गई और ये वाली बीटा हो गई, तो हमारे पास यहां पॉसिबिलिटी जो आई है वो अलग अलग टाइप की पॉसिबिलिटी आई है। तो हो सकता है ये H2 बाहर हो जाए, तो ये H2 बाहर हो जाए तो डबल बॉन्ड यहां आ सकता है, और यहां डबल बॉन्ड किस क्वेश्चन में दिया हुआ आपको? यहां डबल बॉन्ड यहां दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो सेकंड तो बनेगा, सेकंड तो पॉसिबल है। फिर हो सकता है इस OH, इस अल्फा और इस OH के रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन बाहर हो जाए तो डबल बॉन्ड यहां आ सकता है, यहां आएगा तो ये भी बनेगा, फोर्थ भी बनेगा, ये वाला भी बनेगा, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। हो सकता है इस OH और इस H के रेस्पेक्ट में ये H आ जाए तो यहां डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसा कहीं दिया हुआ है, ऐसा भी दिया हुआ है, थर्ड ये भी बनेगा, तो सेकंड भी बन रहा है, थर्ड भी बन रहा है, फोर्थ भी नहीं बन रहा। हमें पूछा है कि कौन सा डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट नहीं होगा, तो हमें ये पता लग रहा है कि जो फर्स्ट है उसमें डिहाइड्रेशन वाला प्रोडक्ट नहीं है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली अंडर एल्कलाइन कंडीशन। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसको मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो देखें इधर, तो यहां मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, आप देखें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम नॉन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर का बेसिक मीडियम में जो हाइड्रोलाइसिस होता है उस रिएक्शन को एक हम पर्टिकुलर नाम देते हैं, और उस नाम को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि हम
फैटी एसिड के एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे बेसिक मीडियम में तो सोप का फॉर्मेशन होगा, वहीं से नाम आया है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो देखें एस्टर जो है वो ये वाला है, और जैसे ये एस्टर पे बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन कराओगे, मान लो जो भी बेस लिया आपने NaOH, तो इसमें से जो अटैकिंग स्पीसीज है वो कौन सी है, OH माइनस। कौन सी स्पीसीज अटैकिंग है, OH माइनस। तो सबसे पहले OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, और जब OH माइनस अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये स्टेप जो है वो कैसी है, स्लो और RDS। ये स्टेप स्लो भी है और कैसी है, RDS है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये OH माइनस जितनी जल्दी इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। वापस बोल रहा हूं कि ये OH माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पे जितनी जल्दी अटैक करेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, सबसे जल्दी हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो यहां पे कब हो सकता है, यहां पे अटैक करेगा OH माइनस, तो मैं यहां बोल दूं कि इस कार्बोनिल कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही जल्दी ये क्या करेगा, अटैक करेगा। और यहां पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है वो डिपेंड करेगा कि ये आर कैसा है, ठीक है। तो मैं ये बोल दूं कि एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पे कब होगा, तो देखो इधर सबसे पहले ये सी ओ आर, और यहां कौन सा ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा, और पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा तो उस पे OH- के अटैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी सबसे ज्यादा ये। फिर ऐसा ग्रुप जिस पे कुछ नहीं लगा हुआ है, सिंपल, और सबसे लेस रिएक्टिव जो होगा वो होगा जिस पे यहां पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो यहां मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला सबसे ज्यादा, तो यहां मैं बोल दूं, या फिर मैं बोल सकता हूं रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई सिंपल प्लस प्लस आई प्लस एच और प्लस आर, ये वाला रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिस पे माइनस आर लगा है, फिर माइनस एच, फिर माइनस आई वाला। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है, कंसेप्ट आपने देख लिया, ये कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करें, तो देखिए आप इधर क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन होगा, ओके। अब यहां अगर बात करें हम क्वेश्चन की कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो आप यह भी देख सकते हैं कि यहां पे इधर तो आपके पास सब पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। अब इसमें लिविंग ग्रुप कौन है, ये वाला, इस पे लिविंग ग्रुप कौन है, ये वाला, इस पे लिविंग ग्रुप कौन है, ये वाला, इस पे लिविंग ग्रुप कौन है, ये वाला, ये लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है ना वो मैंने आगे बताई नहीं आपको कि रिएक्शन क्या होगी, कि पहले ये R, ये COR और ये OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, ये यहां से आएगा तो पहले बनेगा R, ये CO माइनस OH और ये OR, फिर ये यहां से यहां और OR क्या हो जाएगा, बाहर, और बन जाएगा एसिड, और साइड में RO माइनस, ठीक है। ये वाली रिएक्शन मैंने जो बताई है वो वाली होगी। अब यहां पे अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहां तो सब में CH3 वाला पार्ट है, तो ये तो पार्ट सब में है। अब ये जो ग्रुप बाहर हो रहा है ना, ये जो ग्रुप बाहर हो रहा है लिविंग ग्रुप, तो ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितनी बेस्ट होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहां देखें लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें तो इसमें जो ग्रुप निकल रहा है वो ये निकल रहा है,
फर्स्ट वाले में वो ये निकल रहा है ओ माइनस ओ सी एस थ्री, सेकेंड में जो ग्रुप निकल रहा है वो ये निकल रहा है ओ माइनस, और थर्ड में जो निकल रहा है वो निकल रहा है ये वाला फोर्थ में जो ग्रुप निकल रहा है वो निकल रहा है ये वाला, ये लिविंग ग्रुप निकल रहे हैं। और बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कॉन्जुकेटेड बेस गुड लिविंग ग्रुप। मैं यहां लाइन लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड्स कॉन्जुकेटेड बेस गुड लिविंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुकेटेड बेस क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो देखिए आप इधर इसका एसिड कौन सा बनने वाला है? ये वाला फिनोल, यहां भी फिनोल, यहां भी फिनोल, यहां भी फिनोल। आप यहां देखोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा आएगा? ये वाला, क्योंकि NO2 का क्या लग रहा है? माइनस आर। और जहां स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा उसका कॉन्जुकेटेड बेस गुड लिविंग ग्रुप है, वो सबसे जल्दी निकलेगा। और आप वैसे देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग माइनस आर यहां पर लग रहा है, इसका माइनस आर लग रहा है, इसका केवल माइनस आई लग रहा है, इसका प्लस आर लग रहा है, ये सिंपल है। तो मैंने बोला है रिएक्टिविटी में माइनस आर वाला सबसे ज्यादा होगा, तो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अक्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10O यील्ड फिनाइल हाइड्रेजोन एंड गिव नेगेटिव रेस्पॉन्स टू द आइडोफोम टेस्ट एंड टोलेंस टेस्ट इट प्रोड्यूस इन पेंटेन ऑन रिडक्शन अक्स कुड बी। टोलेंस टेस्ट नहीं देता है, साथ के साथ आइडोफोम टेस्ट नहीं देता है, साथ के साथ बट फिनाइल हाइड्रेजोन देता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, देखिए आप इधर। पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे कि आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है C5H10O, ओके, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है C5H10O, ये वाला फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। अब ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें वो बोल रहा है कि फिनाइल हाइड्रेजोन देता है, मतलब PHNH2 NH H2N NH और PH, इसके साथ क्या दे रहा है? वो दे रहा है फिनाइल हाइड्रेजोन, ओके। दूसरा बोल रहा है कि टोलेंस टेस्ट, मतलब टोलेंस रिएजेंट के लिए क्या है? वो नेगेटिव। टोलेंस टेस्ट के लिए वो क्या है? नेगेटिव। तीसरा बोल रहा है वो आइडोफोम टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट वो भी क्या है? नेगेटिव, ओके। अब हमें इसी इंफॉर्मेशन से आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपाउंड क्या हो सकता है। अगर वो बोल रहा है फिनाइल हाइड्रेजोन बना रहा है तो ये रिएक्शन क्या कंफर्म कर रही है? ये कंफर्म क्या कर रही है कि हैव कार्बोनिल ग्रुप, मतलब उसके पास कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि फिनाइल हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके फिनाइल हाइड्रोजन बना रहा है। ये रिएक्शन किस ग्रुप की है? कार्बोनिल ग्रुप की। टोलेंस एजेंट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? सी एच ओ ग्रुप ये क्या है? एब्सेंट हो गया, सी एच ओ ग्रुप उसके पास नहीं है। आइडोफोम टेस्ट नेगेटिव है, मतलब सी एच थ्री सी ओ ग्रुप एब्सेंट, ये वाला ग्रुप भी क्या है? एब्सेंट है, ओके। अब इस इंफॉर्मेशन से अगर मैं बात करें, पांच कार्बन की मुझे बात करनी है, तो पांच कार्बन पे हमें पहला बोला कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप में भी वो ये बोल रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप में भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। टोलेंस एजेंट नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप नहीं है? एल्डिहाइड नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप है और उसमें एल्डिहाइड नहीं है, इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है? इन फॉर्म ऑफ कीटोन, मतलब ये जो कंपाउंड है वो पहली कंडीशन आ गई, हैव कीटोनिक ग्रुप, इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप है, इसके पास कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा बोला है कि आइडोफोम टेस्ट नेगेटिव है, तो ये सी एस थ्री सी ओ समूह उसमें क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए, ओके। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं।
पहला दिया है एल्कोल, तो एल्कोल का तो मतलब ही नहीं है। सेकंड दिया है पेंटेनिल, पेंटेनिल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, इसका भी कोई मतलब ही नहीं है। यहां दिया हुआ है पेंटेनोन और यहां भी दिया हुआ है पेंटेनोन, मतलब ये दोनों ही क्या है, कीटोनिक ग्रुप। तो टू पेंटेनोन तो ये बनेगा और थ्री पेंटेनोन ये वाला बनेगा। अब टू पेंटेनोन बनाता हूं तो ये वाला स्केलेटन प्रेजेंट है, तो ये तो आइडोफोम टेस्ट देता है, हमें किसी ने बोला है कि वो आइडोफोम टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब ये स्केलेटन क्या है उसमें एब्सेंट, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन जो आएगा वो जाएगा फोर्थ, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर, फोर्थ इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रिएक्शन, एक आपको रिएक्शन दी हुई है और पूछा है कि ये रिएक्शन कौन सी है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, देखो Na प्लस एच माइनस, यहां से H प्लस ने हटाया और ये बनाया एल्कोक्साइड आयन, इस कंपाउंड का नाम है एल्कोक्साइड आयन। फिर ये इस पर अटैक कर रहा है एल्किल हैलाइड और ये बांध बना रहा है और ये बना है, तो एल्कोक्साइड आयन की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन कौन सी बोलते हैं हम, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो देखें यहां पे आपके पास है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, इस पे मैं पीछे भी बात कर चुका हूं। नेक्स्ट, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विथ एच आई प्रोडक्ट। इस देखो इस रिएक्शन की हम कई बार बात कर चुके हैं, वापस आ गया। फिनाइल मिथाइल ईथर का होगा स्ट्रक्चर वो होगा ये वाला, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, एच आई से। तो आपको पता है ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही नहीं, तो ये यहीं से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड तो नहीं होगा। क्यों नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पर रिंग के साथ रेजोनेंस शो कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहे हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, इसलिए इस बॉन्ड का ब्रेक तो होगा ही नहीं। तो यहां से रिएक्शन जो होगी वो ये आई माइनस अटैक करेगा, इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो बनेगा एक तरफ तो फिनोल और एक तरफ बनेगा सी एच थ्री आई। ऐसा ऑप्शन चेक करें तो आपसे बात हो रहा है कि ऐसा के साथ गर्म करने पे क्या बनता है, फिनोल आंसर आ जाएगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर। ओके, और इस रिएक्शन के बारे में मैं पूरी डिटेल से बात कर चुका हूं। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सर ऑफ ऑर्थो एंड पेरा नाइट्रोफिनोल। तो देखें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पेरा नाइट्रोफिनोल, ये ऑर्थो और पेरा नाइट्रोफिनोल, इसमें कौन सी बॉन्ड है, हमें पता है इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और इसमें बात करें तो इसमें है इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। और मैं ये भी बता दूं कि ये बनता कब है ये प्रोडक्ट, ये दोनों बनते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट कब बनते हैं, जब हम फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं तब ये प्रोडक्ट बनते हैं। ये भी मैंने बता दिया साइड में कि ये प्रोडक्ट बनते कब है, जब फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं तब ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, एक इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो अगर मैं बात करूं इसको मैं ऑर्थो और इसको पेरा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट पेरा वाले का ज्यादा है किससे, ऑर्थो वाले से, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है, तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट पेरा वाले का ज्यादा है किससे, ऑर्थो, ऑर्थो वाले से। वोलेटाइल नेचर, वो ऑर्थो वाले की ज्यादा है पेरा वाले से, क्योंकि वोलेटाइल नेचर का कंसेप्ट है बेटा कि वोलेटाइल नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा है वोलेटाइल नेचर उसकी उतनी क्या होगी, कम होगी, तो यहां पे ये हुआ। तो अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस है तो उनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है स्टीम डिस्टिलेशन। 11th क्लास
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये चैप्टर दिया हुआ है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। फिनोल वाले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। मीनिंग ये हुआ कि जिसकी वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है वो पहले डिस्टिलेटेड हो जाएगा। मतलब इन दोनों को सेपरेट करना है तो पहले डिस्टिलेटेड कौन होगा, जिसका वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और वो कौन है, ऑर्थो। ऑर्थो पहले आ जाएगा। तो स्टीम डिस्टिलेशन से हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। सभी फिनोल हैं और यहां पे NO2 का क्या लगेगा बेटा, माइनस आर। यहां पे इस NO2 का क्या लगेगा, माइनस आर। इसका भी क्या लगेगा, माइनस आर। और इसका भी क्या लगेगा, माइनस आर। यहां तीन का माइनस आर, यहां CH3 का क्या लगेगा, प्लस एच। तो यहां एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसकी होगी, थर्ड की, माइनस आर वाले की। फिर किसकी हो जाएगी, सेकंड की, क्योंकि यहां तीन का माइनस आर लग रहा है, सेकंड में एक का लग रहा है। उसके बाद सिंपल वाले की, जिसपे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। उसके बाद फोर्थ वाले की, मतलब मोस्ट एसिडिक नेचर का जो कंपाउंड है वो पिक्रिक एसिड। तो आंसर जाएगा, वो जाएगा थर्ड। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन CHCl3NaOHCHO, ये 2018 का क्वेश्चन है, और बोला था इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इज। तो अभी मैंने बोला कि ये रिएक्शन, पीछे मैंने एक क्वेश्चन में बोला है, इसकी पूरी कुंडली मैंने बोली है कि ये है कौन सी रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, राइमर टीमान रिएक्शन। और राइमर टीमान रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल मैंने बोला है, इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है डाई क्लोरो कार्बिन, और वो है CCl2। बनता कैसे है ये, ये सबसे पहले डाइक्लोरोकार्बन ही बनेगा, किससे, CHCl3 और NaOH की अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो सबसे पहले यही बनने वाला है। तो देखिए, क्लोरोकार्बन ऑप्शन है वो सेकंड, तो आंसर जाएगा सेकंड। और आप राइमर टीमान रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर इन द फॉलोइंग सिक्वेंस। आपको एक सिक्वेंस दी हुई है, उसमें आपको मेन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखें, अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले आपको दिया है ये वाला बेंजीन रिंग, और इसकी रिएक्शन करवाई है CH3 CH2 CH2 Cl, और AlCl3 से। तो सबसे पहले AlCl3 इस Cl को क्या करेगा, रिमूव करेगा। और इस Cl को रिमूव करेगा तो पहले बनेगा, वो बनेगा CH3 CH, ये H, और ये CH2 पॉजिटिव। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट, और वो होगा 1,2-hydride shift, क्योंकि अभी इस कार्बोकेटाइन के पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, ये 1 degree है। 1,2-hydride shift यदि होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा आपके पास ये वाला, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये रिंग पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। और ये रिएक्शन कौन सी है, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, FCR का मतलब फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ये वाला, और इस कंपाउंड का जो नाम है वो नाम है क्यूमीन, या फिर मैं बोलूं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब आप ये देख सकते हो कि इस, ये जो प्रोडक्ट बना वो अपना पास क्या बना, ये प्रोडक्ट अपना बन गया पी, ये पी प्रोडक्ट है। इसकी रिएक्शन करवाई है आगे, इसकी रिएक्शन किससे करवाई है, O2 से। तो जब O2 से रिएक्शन करवाओगे तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में दो ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा। रिएक्शन का नाम है क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। सी, और ये दोनों ऑक्सीजन का क्या हो गया इंसर्शन, ये CH3 और ये CH3। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं
क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड रीअरेंजमेंट या क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं। इसका क्या करवाया है फिर, हाइड्रोलाइसिस करवाया है। आप देखें इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया है हीट की प्रेजेंस में, H3O+ और ये हीट। तो ये कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होगा तो इस कंपाउंड के आगे क्या मैकेनिज्म चलेगी वो भी आप देखें कि जैसे ही ये इसके आगे क्या मैकेनिज्म होगी। यहाँ तक समझ में आ गया, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड रीअरेंजमेंट। इसका हमें क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। इसके आगे की मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखें आगे की मैकेनिज्म क्या होगी। तो पी प्रोडक्ट आया हमारा क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और आगे की प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। तो अपने पास यहां तक हम आ चुके हैं, यहां तक हम बात कर चुके हैं। उसके बाद बोल रहा है कि हाइड्रोलाइसिस करवाया है तो H प्लस और ये H2, तो H प्लस यहां पे अटैक करेगा। जैसे ही H प्लस अटैक करेगा बनेगा आपके पास ये वाला सी एच थ्री कार्बन, ये सी एच थ्री, ये बेंजीन रिंग, ये O और ये ओ एच टू पॉजिटिव। यहां से ये ग्रुप बाहर होगा और यहां पे पॉजिटिव आया, इस पॉजिटिव पे रिंग क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां रीअरेंजमेंट हुआ है, और ये अरेंजमेंट होने के बाद जो प्रोडक्ट बना आपके पास, यहां आपके पास बन गया सी एच थ्री कार्बन, ये सी एच थ्री, ये पॉजिटिव, ये ओ और ये रिंग। फिर वापस से एच टू ओ जो है वो यहां क्या करेगा, अटैक, इसमें से कौन सा पार्ट अटैक कर रहा है, ओ एच माइनस, इसमें से अटैक कर जाएगा और बन जाएगा सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच और ये ओ और ये रिंग। पहले ये बना, ये लो पूरी बता देते हैं। अब यहां से ये H प्लस यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां शिफ्ट होने के बाद ये बन जाएगा और अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से, हां, और इसको क्या कर देंगे बाहर। तो क्या बना, एसीटोन बना क्या एक साइड में, और एक साइड में क्या बना, फिनोल। और ये फिनोल बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये मैंने पूरी मैकेनिज्म बता दी है कि बना कैसे होगा ये। तो साइड में एसीटोन प्रोडक्ट भी बना है और फिनोल भी बना है। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि ए पी जो है, पी को हमने आइडेंटिफाई किया, पी हमारा क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। फिर क्यू और आर, क्यू और आर क्या है, एक तो एसीटोन है और एक क्या है, फिनोल है। तो एसीटोन और फिनोल की बात करें तो एसीटोन केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड, सेकंड इज करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। पहला प्रोडक्ट ये था, सेकंड ये था और ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ एनी गिव बी एंड विथ पीसीएल फाइव गिव सी, बी एंड सी रिएक्ट टूगेदर टू गिव डाई इथाइल ईथर, ए बी एंड सी आर इन द ऑर्डर। ये बोल रहा है कि बी और सी बनता है कि द कंपाउंड ए, कोई भी ए कंपाउंड है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, एन ए के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या देता है, बी देता है। फिर बोल रहा है बी की रिएक्शन किससे करवाई, बी की, बी एंड विथ यही कंपाउंड, ए कंपाउंड ये रिएक्शन करता है बी पी सी एल फाइव से और ये कंपाउंड देता है सी। फिर बोल रहा है बी और सी आपस में जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट टूगेदर टू गिव डाई इथाइल ईथर, यहां बनता है डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या हो गया, सी टू एच फाइव ओ और ये सी टू एच फाइव, सिंपल सी रिएक्शन है। तो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा कौन, एन ए किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्कोल के साथ रिएक्शन करता है, तो ए आपका एल्कोल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ए एल्कोल इसमें भी है, ए एल्कोल इसमें भी है, ए एल्कोल इसमें भी है, इनमें तीनों में पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो ए को एल्कोल मानू में और एल्कोल तीनों में ये दिया हुआ है सी टू एच फाइव ओ एच, इसकी रिएक्शन कराऊंगा बी के साथ तो क्या बनेगा सी टू एच फाइव ओ माइनस एन ए प्लस,
और PCl पाइप के साथ करूंगा तो क्या बनेगा, C2H5Cl, और यहां से ये इस पर अटैक करेगा, Cl को क्या कर देगा बाहर, ये बन जाएगा। यहां कौन सी रिएक्शन हुई है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन हुई है। तो इसका मतलब ए जो है वो एथेनॉल है, बी जो है वो एल्कोक्साइड आयन है ये वाला, और सी जो है वो इथाइल क्लोराइड है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड आंसर, ये भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो ईथर सिंथेसिस रिएक्शन से। तो आपने क्या देखा, एल्कोहल फिनोल ईथर में जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं रिएक्शन विद एचआई ईथर में, एचआई की रिएक्शन पूछ रहा है, फिनोल में राइमर टिमान रिएक्शन की बात कर रहा है, और साथ के साथ एल्कोहल में विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन की बात कर रहा है। ईथर बनाने के मेथड्स और ईथर की एचआई के साथ रिएक्शन और राइमर टिमान रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो इस चैप्टर से यह कंक्लूजन निकलता है हैलोजन डेरिवेटिव और एल्कोहल फिनोल ईथर से कि हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ कुछ नेम रिएक्शन जो दी हुई है राइमर टिमान रिएक्शन, उस रिएक्शन को हमें फोकस करना है। तो स्टूडेंट, ये मैंने आज की जो लेक्चर में जो बात हुई थी वो हमने बात की है कहाँ तक, हैलोजन डेरिवेटिव और एल्कोहल फिनोल ईथर तक। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड और एन कंटेनिंग कंपाउंड का आएगा, तब तक आप इन प्रॉब्लम्स को देखें। इसके अलावा आप हमारी CLC के CLC.live इन पे जा सकते हैं, CLC.परिवार इन पे जा सकते हैं। इसके अलावा CLC के YouTube चैनल पे भी आप फिजिक्स के फिजिकल केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।